वेलकम टू आकाश इंफोटेक वीडियो ट्यूटोरियल्स। माय सेल्फ आकाश पडियार। आज हम ये वीडियो में देखेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करनी है इन PHP MySQL। एज यू नो MySQL इज अ डेटाबेस, और जब भी PHP में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर हमको करना है तो उसके लिए हमको MySQL डेटाबेस यूज़ करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने PHP MyAdmin ओपन किया हुआ है, लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin, एंड आई ऑलरेडी हैव क्रिएटेड वन डेटाबेस आकाश प्रोजेक्ट। और वो डेटाबेस को जो कनेक्टिविटी करना है तो वो कैसे करना है ये हम वीडियो में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, इट विल डिस्प्ले ऑल द डेटाबेसेस। एंड सेकेंड थिंग, यूज़र अकाउंट्स। ये वीडियो चालू करने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ यूज़र्स, और यूज़र्स के कैसे रोल्स डिफाइन करना है, एंड वो रोल्स कैसे आगे जाके मतलब हेल्पफुल रहेंगे जब भी हम कोई डेटाबेस और डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ PHP में डेटा एंट्री करते हैं तब। तो बाय डिफ़ॉल्ट PHP MyAdmin में एक यूज़र प्रोवाइड करता है जिसका नाम है यूज़र नेम रूट होस्ट लोकल होस्ट एंड पासवर्ड नो, जिसमें सारे प्रिविलेजेस मतलब ऑल प्रिविलेजेस आर असाइन टू द रूट यूज़र। जैसे मुझे कोई एक और नया यूज़र बनाना है तो आई कैन ऑल्सो क्रिएट बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक एड यूज़र आइकन, जहाँ पर मुझे यूज़र नेम पास करना है और उसके बाद होस्ट लोकल होस्ट आएगा एंड देन पासवर्ड। तो ये तीन चीज़ मैं अगर प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता हूँ सिस्टम को, तो यहाँ पे सब प्रिविलेजेस दिए हुए हैं कि वो प्रिविलेजेस में क्या है कि ये जो यूज़र है जो पर्टिकुलर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो वो सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी फायर कर सकता है या फिर इंसर्ट और अपडेट, उसके अलावा वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, डेटाबेस या टेबल को ऑल्टर करने का, डेटाबेस में जो रिकॉर्ड उसको अपडेट करने का या डिलीट करने का कोई भी राइट्स नहीं है। तो अगर आपको इन फ्यूचर ऐसा कोई राइट्स क्रिएट करना है तो PHP MyAdmin में यूज़र अकाउंट में ऐसा ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं। बट अपने को भी ये वीडियो में देखना है कि कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, तो उसके लिए वी हैव ऑलरेडी वन यूज़र, नेम इज़ रूट एंड होस्ट नेम इज़ अ लोकल होस्ट एंड पासवर्ड इज़ नो, और उसको सारे प्रिविलेजेस ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं। तो इसको कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए MySQL का जो फंक्शन है वो हमको PHP में यूज़ करना पड़ेगा। सो इट नेट मीन्स आई एम क्रिएटिंग वन न्यू फाइल फॉर कनेक्शन। कनेक्शन के अंदर सिंपल सा कोडिंग है, यहाँ पे सिर्फ दो लाइन लिखना है। सबसे पहले होगा MySQL _ कनेक्ट। MySQL कनेक्ट जो फंक्शन है, जैसे कि MySQL कनेक्ट, जिसमें तीन पैरामीटर पास करना है। फर्स्ट लोकल होस्ट, सेकेंड रूट एंड पासवर्ड ब्लैंक। तो ये तीन जो ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट जो है हमारा होस्ट नेम है, सेकेंड जो है यूजर नेम है, एंड थर्ड वन इज अ पासवर्ड। लेकिन यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट डबल कोट स्टार्ट किया एंड क्लोज कर दिया। एंड सेकेंड जो लिखना है वो है MySQL _SelectDB। ये किस लिए लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देयर आर लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस, और वो डेटाबेसेस में हमसे हमको एक ही डेटाबेस सेलेक्ट करना है, क्योंकि एट अ टाइम हम एक ही डेटाबेस पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे वो डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करना है, जैसे कि आकाश प्रोजेक्ट या फिर आकाश प्रोजेक्ट 1। आई नो ये डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे जानबूझ के की है। तो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आई, कोई आउटपुट भी नहीं दिखा, सब कुछ ऐसे ब्लैंक है। तो ये एक प्रॉपर कोडिंग नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वही कोडिंग, MySQL _Connect, जिसमें वापस लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट एंड पासवर्ड, MySQL _Select, तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है आकाश प्रोजेक्ट 1। और ये आकाश प्रोजेक्ट 1 अगर हम रन करते जैसे हमने वापस किया था पहले, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। तो मुझे अगर वो एक्चुअली एरर जो थ्रो होती है वो देखना है, तो उसके लिए और देन डाई के अंदर हम लिखेंगे MySQL _Error। एरर इज़ अ फंक्शन।
नाउ व्हाट इज दिस, ये लाइन जो है उसका मतलब क्या है। जैसे कि MySQL_SelectDB मतलब डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे जिसका नाम होगा आकाश प्रोजेक्ट वन। अगर डेटाबेस सिलेक्ट नहीं हुआ तो ये और कंडीशन एग्जीक्यूट होगी जिसमें डाई, डाई फंक्शन क्या करेगा, इसके बाद जो भी एग्जीक्यूशन है PHP की फाइल का वो स्टॉप कर देगा, मतलब आगे उसके बाद एक भी लाइन रन नहीं होगी। एंड MySQL एरर ये क्या करेगा, जो सिस्टम की जो एरर है वो यहाँ पे थ्रो करेगा। और अपने को मैनुअल एरर भी दिखाना है तो एरर इन DB सिलेक्शन, और दोनों को कॉन्क्रेट करने के लिए डॉट। तो ये मैनुअल एरर और ये सिस्टम जनरेटेड एरर MySQL_Error। अगर मैं इसको रन करूँगा तो इसको यहाँ पे दिखाएगा मैनुअल एरर, एरर इन DB सिलेक्शन एंड अननोन डेटाबेस आकाश प्रोजेक्ट वन। तो ये एरर जो है उसको हम PHP MyAdmin में देखेंगे। तो PHP MyAdmin में हमारे पास जो डेटाबेस है उसका नाम है आकाश प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है वो है आकाश प्रोजेक्ट वन। तो इसको सिंपली मुझे निकाल देना है वन को, एंड नाउ रन दिस फाइल, और वो जो एरर थी वो यहाँ पे चली गई। तो ये जो और डाई फंक्शन जो है, और डाई MySQL एरर, इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपकी प्रोग्राम में कभी भी कनेक्शन नहीं हुआ उसको अगर चेक करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी जहाँ भी अभी आपको चेक करनी है, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आप उसको चेक कर सकते हो। और ये पूरी लाइन मैं ऊपर भी कॉपी पेस्ट करता हूँ, और एरर इन कनेक्शन MySQL एरर, अगर यहाँ पे हम रूट की जगह पे रूट्स कर देते हैं और फिर रन करते हैं तो DB सिलेक्शन लोकल होस्ट डेटाबेस में एक्सेस डिनाइड आ गया। क्यों? क्योंकि रूट जो है यूज़र वो डिफाइन किया हुआ नहीं है, रूट्स हमारे पास जो यूज़र उसका नाम है रूट। तो ये एक दो सिंपल लाइन है जो आपको जहाँ पे भी आप PHP में डेटाबेस के लिए कोई भी प्रोग्राम करते हो, इंसर्ट अपडेट डिलीट, हर जगह पे आपको ये कनेक्शन का जो कोडिंग है वो इम्प्लीमेंट करना रहेगा। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी फायर करनी है तो उसके लिए एक और फंक्शन है MySQL_Query, जिसमें आप डबल कोट्स के अंदर क्वेरी भी फायर कर सकते हो। तो ये सिंपल सा डेमो था, फर्स्ट डेटाबेस कनेक्शन एंड डेटाबेस सिलेक्शन। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फॉलोइंग डिटेल्स। मैं सेल्फ आकाश पड़िया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।